उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जिला महिला अस्पताल में तीमारदारों ने बीती रात खूब हंगामा काटा। दरअसल गर्भवती व नवजात की मौत को लेकर परिजनों ने हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि महिला अस्पताल में बिना पैसा दिए इलाज नहीं होता है। महिला अस्पताल में मरीजों से डॉक्टर व स्टाफ सब सुविधा के नाम पर शुल्क लेते हैं। पैसा ना देने पर अस्पताल के डॉक्टर व स्टाफ मरीजों को डराते और धमकाते हैं। परिजनों का गर्भवती व नवजात की मौत डॉक्टरों व स्टाफ की अनदेखी से हुई। पैसे नहीं दिए तो डॉक्टरों व स्टाफ मां नवजात को मार डाला। परिजनों का आरोप है कि गर्भवती व नवजात की मौत डॉक्टर व स्टाफ की अनदेखी की वजह से हुई है। पैसे नहीं दिए तो उन्होंने नवजात व मां को मार डाला। तीमारदारों ने बताया कि हमसे बच्चा पैदा करवाने के लिए 5,000 से 6,000 की डिमांड करते हैं। पैसा ना देने पर मरीजों को इलाज नहीं मिलता। मरीज की डॉक्टर व स्टाफ जान ले लेते हैं। बलरामपुर के जिला महिला अस्पताल का पूरा मामला है। 20,000 तक का इनकी 80,000 ले रहे भैया, 80,000 रुपया कहीं के ले रहे की मांग कर रहे हैं। 5,500 रुपए की मांग होने हो रही है और 5,500 रुपए न देने के कारण ये अभी तक दिक्कत हुई है। 5,500 दे दिया होता तो शाम को 5:30 बजे हमारा ऑपरेशन हो गया होता, जच्चा बच्चा सुरक्षित होते, लेकिन पैसा न देने के कारण अभी तक कोई सुरक्षा नहीं हो पाई है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।